नहीं मालूम कहाँ जाकर सो गए। मुझे पल पल भारी हो रही है और जोरों से सख्त लाचारी हो रही है। न दिन को चैन है न रात को आराम है, यहाँ तक कि खाना पीना बिल्कुल हराम है। जब आपने उनको भेजने का विचार किया था तो मुनि जी ने कितने का इकरार किया था। अबल तो उन्हें भेजने में गलती खाई है। खैर अगर भेज ही दिया था तो यह अजब लापरवाही है कि इतने दिन गुजर जाने पर बिल्कुल फिक्र ही नहीं। वह आपके लगते जिगर ही नहीं। पर महेश्वर जाने मेरे बच्चों का क्या हाल है। मेरा आठो पहर उधर ही ख्याल है। आपको ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पर महेश्वर मेरे बच्चे बिल्कुल नादान है। इस हालत में आप ही उनके निगरान है। प्रिया जी तुम्हारा हर वक्त का रंजोगम अच्छा नहीं। रामचंद्र कोई दूध पीता बच्चा नहीं। ईश्वर की कृपा से वह हर तरह लायक है और फिर मुनि विश्वामित्र उनके सहायक है। माना की राक्षसों की बहुत तादाद है मगर राम और लक्ष्मण के सामने उनकी क्या मजाल है। मुझे उनकी तरफ से बिल्कुल गम नहीं कि मेरे दिलावर किसी पहलू में उनसे कम नहीं। यद्यपि वो संसार के नसीबो फराह से बेखबर है लेकिन फिर भी शेरों के शेर नहीं बल्कि बफर शेर है। अरे युद्ध तो क्षत्रियों का श्रृंगार होता है मगर मालूम नहीं तुम्हारे सिर पर क्या वहन सवार है। जो इस तरह की बातें करती हो और हर समय ठंडी आहें भरती हो क्षत्राणी होकर ऐसी बुद्धिली न मालूम तुमको कहां से विषय में मिली है। जरा अपना आप संभालो और ये निकम्मे ख्यालात अपने दिल से निकालो। मेरे कुलभूषण शीघ्र ही सकुशल वापस आएंगे और अपनी बहादुरी का डंका बजाएंगे। चलो दरियाफ्त करें कि क्या मामला है। महाराज आप इसे पढ़कर ही सुना दीजिए।
किया बेड़ा पार मेरा, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या माजरा है। ये कोई पत्र है या कोई गोरखधंधा? अच्छा आगे बढ़िए। मेरे घर में था एक धनुष बहुत भारी, जिसे देख डरते थे सभी धनुषधारी। हुई बहुत योद्धाओं को संसारी, रहा मैं भी उनका उम्र भर पुजारी। मगर मुझको इस बात की थी हैरानी, उठा लेती सीता उसे बे आसानी। उसी रोज प्रतिज्ञा अपनी सुना दी, करी जा बजा इस अमर की मना दी। कि जिस क्षत्रिय ने धनुष यह उठा दी, करूंगा उसी में सीता की शादी। किसी वक्त एक स्वयंवर आया, लिखे जा बजा खत सभी को बुलाया। किया मुझ पर एहसान सारे पधारे, लगा जोर अपना वे सारे बिचारे। बहुत कुछ दिखाए तारे सारे, रहे देखते मुंह पसारे नकारे। सभी ने बहुत जोर अपना लगाए, शीघ्र ही बारात की तैयारी की जाए किया जाए। की सभा में उसी वक्त यह बात कह दी, हुई क्षत्रिय वंश की अब सफाई, जो इतनी भी जुर्त किसी में न आई।